नमस्कार। 5 अगस्त 2019 का दैनिक राशिफल लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ उपस्थित हैं। सोमवार रहेगा, हस्त नक्षत्र की परिधियाँ हैं, साथ में ही नाग पंचमी और सूर्य 18 डिग्रीज की पोजीशन के साथ में, तो चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि स्थान में ही विराजित रहने वाले हैं। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की हम यहाँ पर चर्चाएँ करते चले जाएँगे। विशेष चर्चाओं में आज सूर्य प्रधान सिंह राशि रहेगी। हमारे द्वारा प्रस्तुत ये राशिफल चंद्र राशि के ऊपर आधारित रहता है। गोचरीय व्यवस्थाओं का जो ये अध्ययन है, यहाँ पर जो रिफ्लेक्शंस देखे जाते हैं, वो चंद्र राशि के ऊपर ही आधारित होते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। कोई भी नया कामकाज करना और उसके भीतर रुपया पैसा इन्फ्यूज़ करना, वर्किंग पावर को इन्फ्यूज़ करना, इस दिन के भीतर इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं लेकर आता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इस सप्ताह की जो शुरुआत हो रही है उसमें अपने रिफ्लेक्शंस को थोड़ा सा स्लोअर डाउन रखें। बहुत ज़्यादा ऊर्जा को खर्च करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो कामकाज आप करने की ओर जा रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग वर्क फ्रेम के साथ में आप चल रहे हैं, उसके भीतर तो ऊर्जा को खर्च करना, अपनी एनर्जी को लगाना ठीक रिजल्ट देगा, बहुत बेहतरी की तरफ नहीं। किंतु कोई भी नई शुरुआत आप करते हैं तो चंद्रमा की जो ये स्थितियाँ बनी हुई है, इतने अच्छे रिजल्ट्स देती हुई इस दिन के साथ में नहीं दिखाई देती है। वहीं पे कोई भी वाद और विवाद की स्थिति किसी भी व्यक्ति के साथ में या फिर कोई स्पेसिफिक पोजीशन के साथ में रहती है, उसको जितना आसानी के साथ में आप टाल पाएं उतना ही बेहतर रहेगा। कम्युनिकेशन के बीच में गैप नहीं आए, भले ही वो संतान के साथ में हो, भले ही वो गृहस्थ के साथ में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो, इसका ध्यान रखा जाना आवश्यक है। निद्रा संबंधी स्थितियों की बात की जाए तो अनिद्रा का जो एक तरह से रोग रहता है वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। फिजिकल और मेंटल फटीग की तरफ तो जाएंगे आप, लेकिन अनिद्रा संबंधी स्थितियाँ थोड़ा सा परेशान कर सकती है आपको। विदेश में अगर रह रहे हैं या फिर शहर के बाहर रहकर अपने कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं तो ये दिन मध्यम दर्जे का रहेगा आपके लिए। वृषभ राशि, यहाँ पर आपके व्यापारिक स्थितियों के भीतर लाभ की स्थितियाँ दिखाई देती है। आकस्मिक धन लाभ की पोजीशन बनी हुई है। लेबर संबंधी जो समस्याएं, वर्किंग पावर की जो समस्याएं रहती है, उसका समाधान आज आपको मिल पाएगा। कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जाना चाहते हैं जहाँ पे हल्के फुल्के स्तर की, मेजर लेवल की नहीं, हल्के फुल्के स्तर की जो रिस्क इन्वॉल्व रहती है, उस तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। स्टेशनरी संबंधी जो भी कामकाज रहता है, टिम्बर संबंधी जो भी कामकाज रहता है, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी जिस भी कार्य के भीतर आप प्रगतिशील हैं, उन सारे ही क्षेत्रों में आज बहुत अच्छी संभावनाएं आज आपके लिए बनी हुई है। जो आपका कैलिबर और कैपेबिलिटी होती है तो पूर्ण रूप से आपका सहयोग देती हुई दिखाई देगी इस दिन के अंतराल के साथ में। वहीं अगर आप शिक्षा काल के साथ में जुड़े हुए हैं तो उस शैक्षणिक स्थितियों के भीतर भी आज जो कॉन्सेंट्रेशन है और जो एक तरह से आपको आगे बढ़ना होता है, उसमें कहीं भी दिक्कत और दुविधाएँ दिखाई नहीं देती है। लव एंड अफेयर्स की पोजिशन की बात की जाए तो वहाँ पर थोड़े से सेट आज आपको लगते हुए दिखाई देते हैं। डिमांडिंग पोजीशंस के साथ में आज आपको बचकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। मिथुन राशि, आकस्मिक धन लाभ आज आपके लिए एक दिखावा सिद्ध होगा, यानी कि जो फैसिनेशंस की अप्रोच बनी रहती है आकस्मिक धन लाभ के साथ में, उस और इतना अच्छे से आप नहीं जा पाएंगे, वो थोड़ा सा एक चिंता का विषय आपके लिए रह सकता है। व्यापारिक गतिविधियों के भीतर अगर बात की जाए तो अगर आप किसी भी स्टील संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट संबंधी कामकाज के साथ में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के साथ में अगर आपका कार्य चल रहा है, इन सारे ही कार्य क्षेत्रों के भीतर आज वृद्धि की उम्मीद कही जा सकती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर थोड़ी सी मध्यम दर्जे की अप्रोच रहेगी। मन उचाट रहने वाली स्थितियां और मानसिक दबाव वाली पोजीशंस नौकरी पेशा लोगों के लिए रह सकती है, थोड़ी सी चिंताएं रहेंगी। फ्रस्ट्रेशन के अंदर कोई भी निर्णय नहीं लें, नहीं तो उसके जो रेपरकशंस होते हैं, एक तरह से जो दुष्प्रभाव होते हैं, वो कुछ दिनों में सामने आ सकते हैं। आज के प्रेशर को उसी स्तर के साथ में, यथार्थ के साथ में सहन करने की कोशिश करें, भले ही कितनी ही पोजीशन आपके लिए स्टिफ हो, नेगेटिव हो, इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक। वहीं पर अगर हम चर्चा करें किसी भी रोग की, तो हृदय रोगी जो भी हैं उनको अपना जो एक तरह से मेडिकल बॉक्स होता है, जो पोजीशंस होती है, उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखकर अपने साथ में कैरी करने की आवश्यकताएं रहेंगी इस दिन के साथ में। प्रबंधन की स्थितियों की अगर इस दिन के साथ बात करते हैं तो प्रबंधन के अंदर थोड़ा सा मध्यम दर्जा रहेगा। एचआर के साथ आप जुड़े हुए हैं या फिर बहुत सारी पोजीशंस को मैनेज करना होता है, वहाँ थोड़ा सा डिलेमा और परेशानियाँ निकल कर आ सकती है आपके लिए। कर्क राशि, प्रमोशन अटकी हुई थी,
धन लाभ की पोजीशंस काफ़ी दिनों से नहीं बन पा रही थी, और वहीं पे जो संबंधों की भी जो खटास है उसका आपको सामना करना पड़ रहा था। इन तीनों ही स्तर के ऊपर आज की स्थितियां सुधार लेकर आएगी आपके लिए। जो पोजीशन बन रही है वो लगातार आपके लिए एक इम्प्रोवाइजेशन की तरफ की बनती हुई दिखाई देती है। भाग्य का सपोर्ट पूर्ण रूपेण स्थापित रहने वाला है। आध्यात्मिक चेतनाएं, कई बार व्यक्ति जब परेशानी में फंसा होता है तो आध्यात्मिक चेतनाओं के साथ में जुड़कर खुद को भीतरी स्तर पर जान पाता है कि दुख क्या है, दुविधा क्या है, परेशानियां क्या है। ये दिन उस लिहाजा भी आपके लिए महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। सेल्फ एनालिसिस के जितने प्रोसेस के भीतर आप उतरना चाहते हैं, जितने भीतरी स्तर के ऊपर खुद को इवॉल्व करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, कर्क राशि वाले महानुभावों के लिए उस दिन के हिसाब से और उस कैलकुलेशन के हिसाब से ये दिन बहुत बढ़िया और बेहतर बना हुआ है। वहीं पे अगर हम यहाँ पर चर्चा करें आपके भाई बहनों के साथ में संबंधों की, तो उसमें भी सुधार की स्थितियाँ कर्क राशि वालों के लिए इस दिन दिखाई देती है। सिंह राशि, सर्वप्रथम जो धनोपार्जन की जो पोजिशंस रहती है वहाँ पर वृद्धि देखी जा सकती है। कुटुंबी जनों का सहयोग भी पूर्ण रूप से आपके लिए स्थापित रहेगा। वहीं विदेश संबंधी गतिविधियों की अगर हम बात करते हैं, विदेश में रहकर कोई कामकाज कर रहे हैं, अज्ञात भय जो आपको सता रहा था, बुध के अपने पोजिशन चेंज कर लेने की वजह से उन अज्ञात भय से आपको मुक्ति मिलती चली जाएगी। वहीं पे अगर आप फार्मास्यूटिकल के साथ में जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही साथ में अगर आप कोई ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं जहां पर सर्विस प्लस एक तरह से मार्केटिंग की पोजीशंस रहती है, सर्विस की मार्केटिंग करने की जो पोजीशंस कई बार रहती है, ऐसे किसी भी क्षेत्र के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो वहां पर सफलता की उम्मीद आपके लिए की जा सकती है। रोगों के ऊपर खर्चा निकल कर आ सकता है, इसका ध्यान रखें। रोग के साथ में कई बार व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ की तरफ भी अग्रसर होता है तो उसे कई तरीके की जो है मेडिकेशंस लेनी होती है, कई टैबलेट्स लेनी होती है, तो वो खर्चे उसे अवॉइड करने की कोशिश आप बिल्कुल भी नहीं करें। कई बार व्यक्ति अर्ध स्वास्थ्य लाभ लेता है, उसे लगता है कि अब रिफ्लेक्शंस बिल्कुल सही हो चुके हैं और कोर्सेज को बीच में छोड़ देता है, किंतु जब चंद्रमा अपनी ऐसी पोजीशंस के साथ में चलते हों और यही द्वादश भाव की पोजीशंस भी बनी हुई हो गोचर के अनुसार, तो उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, वो रोग फिर से डेवलप होने की तरफ चला जाता है। सिंह राशि वालों को ये ध्यान रखने की आवश्यकताएं यहाँ पूर्ण रूपेण रहेंगी ही रहेंगी। चर्चा करते हैं कन्या राशि की। यहाँ आप देखें कि जो आपके रिफ्लेक्शंस हैं, जो आपके यश और मान और एक्सेप्टेबिलिटी के अंदर वृद्धि होनी चाहिए वो पूर्ण रूपेण होती हुई देखी जा सकती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ में अगर आपका जुड़ाव है तो वहाँ पर वृद्धि पूर्ण रूपेण दिखाई देती है। व्यापार में आकस्मिक धन लाभ की स्थितियाँ, कुछ सौदे ऐसे निकल कर आ सकते हैं जो औचक रूप से आपको बेनिफिट की तरफ लेकर जाएं। आप अगर आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं और किसी भी महानुभाव को या अपने क्षेत्र की पर्सनैलिटी को अगर आप जाकर अप्रोच करना चाहते हैं तो ये दिन आपके लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। वेग अप्रोच जिसे कहते हैं, जहां पर संदेह पूर्ण रूप से स्थापित रहे किंतु उन संदेह के बादल छटने के साथ में ही जो सफलता का आसमान है वो पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित होता हो, ऐसी पोजिशंस आज आपके लिए बनी हुई है। चंद्रमा स्वराशि स्थान के भीतर हैं, ढैया का अंतिम अंतराल आपको चल रहा है, किंतु ये स्तर, ये स्थिति और ये पोजीशन एक नया लेवल आपको दे सकती है। इस माध्यम से पूर्ण रूपेण आगे बढ़ने का कार्य आपको करना चाहिए और इसी हिसाब से जो संदेह बने हुए थे उसे एक तरफ हटाएं। ज्यादा से ज्यादा नाक की स्थितियां रहेगी, क्या फर्क पड़ेगा उससे, किंतु हम तो अपनी पोजीशंस के साथ में चलने का काम करें। ये स्तर अगर आप लेकर चलते हैं तो 100% तौर के ऊपर सफलता लेकर लौटेंगे कन्या राशि वाले महानुभाव। इसके साथ में ही शैक्षणिक स्तर के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेशन, किसी नए कोर्स की तरफ आप जाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, संदेह था आज क्लैरिटी मिल पाएगी। तुला राशि, व्यय की स्थितियां बनी हुई है, खर्चे बहुत अधिकता के साथ में निकल सकते हैं, किंतु जो पुराने साथी और सहयोगी रहे हैं उनका सहयोग आपको पूर्ण रूपेण मिलता हुआ दिखाई देगा। वाहन अधिक खर्चा मांगेंगे, एक स्तर के ऊपर परेशानी ये निकल कर आ सकती है, तो कहीं भी दूरस्थ यात्रा के लिए जाना है, किसी भी दोस्त को, ड्राइवर आदि को साथ में लेकर जाएं, जिससे जो फिजिकल फटीग की पोजीशन होती है वहां पर भी थकान आपकी ड्राइविंग के ऊपर बिल्कुल भी असर डालने का कार्य नहीं करे। किसी भी नए ऋण को लेने की तरफ बढ़ने से आज आपको बचना चाहिए पूर्ण रूपेण।
प्रथम स्तर के ऊपर तो बात ये निकल कर आती है, और दूसरे स्तर के ऊपर अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो एक तरह से आपके लिए रोग की स्थितियों के ऊपर खर्चे इतने समय से चल रहे थे, वहाँ पर भी थोड़ी सी रोकथाम देखी जा सकती है इस दिन के साथ में ही। शत्रु जो पनपे हुए थे, आज वो फिर से उभर कर सामने आ सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा पूर्ण रूपेण। ये तो रही तुला राशि की स्थितियां। वृश्चिक राशि की अगर हम चर्चा करते हैं तो लाभ की स्थितियां सर्वांगीण तौर के ऊपर रिफ्लेक्ट होती हुई आपके लिए दिखाई देती है। सर्विस इंडस्ट्री में कुछ भी नए डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी नई क्रिएटिविटी को इन्फ्यूज करना चाहते हैं, संदेह था उसके भीतर भी कि हम इस क्रिएटिविटी को लेकर आए या नहीं, इस परिवर्तन की तरफ अग्रसर हों या नहीं, ये चेंजेस कहीं हमारे इस जमे जमाए कामकाज के ऊपर एक तरह से नेगेटिव इंपैक्ट डालने का काम तो नहीं करेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इस दिन आप इन संभावनाओं के साथ में चलते हैं तो लाभ के साथ में जो चंद्रमा की पोजीशन पंचम को रिफ्लेक्स करते हुए दिखाई देती है, वहां पर वृद्धि की स्थितियां पूर्ण रूप से आपके लिए देखी जा सकती है। क्षमताओं के भीतर जो वृद्धि इस दिन है और जो ऊर्जा आपकी बनी हुई है उसका पूर्ण रूप से अच्छा इस्तेमाल करें और आगे बढ़ते चले जाएं, कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं रहेगी। वहीं पे जो आपके गृहस्थ का सपोर्ट, माता पिता का जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो भी यहां पर पूर्ण रूप से दिखाई देता है। धनु राशि, अगर आप जॉब चेंजेस की तरफ जाना चाहते हैं और संभावनाएं आपके सामने आ रही है और उन संभावनाओं को अब एग्जीक्यूट करने की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो ये दिन पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण, बेहद शानदार कहा जा सकता है। उन चेंजेस की तरफ आपको जरूर बढ़ना चाहिए धनु राशि वाले महानुभावों को। तो नौकरी के भीतर तो ये बात रही, और जो एग्जिस्टिंग फ्रेम आपका जॉब में चल रहा है वहां पर एक कंफर्ट जोन इस दिन बना रहेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मानसिक स्तर के ऊपर प्रसन्नता और एक जो कंफर्ट जोन की पोजीशन है वो आपके लिए एक रिलैक्स देने वाली पोजीशन लेकर आएगी। व्यापारी जनों के लिए ये दिन उत्तम लाभ के सौदे वाला दिखाई देता है। भूमि संबंधित कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर संबंधित कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर या फिर ट्रांसपोर्टेशन की वर्किंग कल्चर के साथ में जुड़े हुए हैं, ये सारे ही क्षेत्र आपके लिए एक लेवल के ऊपर बेनिफिट देते हुए दिखाई देते हैं धनुराशि वाले महानुभावों को। इसके साथ में ही जो माता स्थान के साथ में सुख रहना चाहिए वो भी पूर्ण रूप से आज आपको स्थापित रहेगा। शैक्षणिक योग्यताओं को आप पूर्ण रूप से हासिल कर चुके, उसके बाद में आगे पढ़ना है या फिर आगे हमें और ज़्यादा एजुकेशन की तरफ जाना है, उस निर्णय के लिहाजा भी ये दिन आपके लिए महत्वपूर्ण कहा जा सकता है धनुराशि वाले महानुभावों के लिए। मकर राशि, भाग्य का सपोर्ट इस दिन बना रहेगा। एविएशन इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, नब इंडस्ट्री के साथ में अगर आपका जुड़ाव पूर्ण रूप से है तो इन क्षेत्रों के भीतर, इस स्थिति के भीतर आज आपके लिए वृद्धि देखी जा सकती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो कामकाज रहता है, होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का जो कामकाज रहता है और जिसके साथ में सर्विसेज महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ी रहती है, उन सारे ही क्षेत्रों में वृद्धि आपके लिए है। किंतु कोई भी लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट करने की तरफ आज आपको नहीं जाना चाहिए। किसी से भी किसी भी वादे की पोजीशन के भीतर जाकर खुद को फंसाने का काम आप बिल्कुल भी नहीं करें, यह बात पूर्ण रूप से अपने भीतर ध्यान रखें। एग्जेजुरेटेड अप्रोच जो रहती है वो परेशान कर सकती है, इस बात का ख्याल रखा जाना आवश्यक रहेगा आपके लिए। व्यर्थ का पराक्रम दिखाने का और विवादों की तरफ खुद को धकेलने का कार्य इस दिन करने से आपको बचना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थिति मध्यम दर्जे की बनी हुई है, परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के साथ में यह दिन नहीं है आपके लिए, ध्यान रखें। कुंभ राशि, अगर सर्वप्रथम कुंभ राशि की चर्चा की जाए तो यहां पर हिडन प्रॉब्लम्स निकल कर आ सकती है, वो थोड़ा बहुत परेशान करने की और आपको अग्रसर कर सकती है। प्रथमतया स्थिति तो ये, इसके साथ में ही जो कम्युनिकेशन के अंदर कई बार गैप देखे जाते हैं वो भी निकल कर सामने आ सकते हैं, थोड़ी सी परेशानियां उस स्तर के ऊपर भी आपके लिए इस दिन देखी जा सकती है। कोई भी नवीन सौदे की तरह व्यापारी वर्ग को नहीं जाना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए मेंटल टेंशन्स बनी रहेगी, मेंटल प्रेशर एक लेवल के ऊपर काम करेगा और वो फ्रस्ट्रेशंस और एंग्जाइटी को जन्म दे सकता है, जिससे व्यक्ति कई बार नेगेटिव स्टेप्स लेने की तरफ अग्रसर हो जाता है। उससे भी आज आप जितना बचकर चलेंगे उतना ही बेहतर कहा जा सकता है ये दिन आपके लिए। प्रथमतया तो पोजीशन ये, इसके साथ ही साथ में कोई भी हिडन प्रॉब्लम सामने निकल कर नहीं आए, उसे हम निमंत्रण देने का काम नहीं करें, यह भी ध्यान रखें। मीन राशि,
सर्वप्रथम यहाँ पर जो पोजीशन है व्यापारिक दृष्टिकोण से वो बहुत ज़्यादा बेहतर बनी हुई है। बिजनेस पर्सनल्स कोई भी नया निर्णय लेना चाहते हैं या फिर संदेह की स्थितियों के साथ में आप थे, संदेह को परे हटाइए, जो क्लैरिटी आपके दिमाग के भीतर है और जो गट फील आपको कह रही है कि हम इस तरफ जा सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं, उस सफलता की ओर आपको ज़रूर जाने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। इसके साथ में ही जो गृहस्थ का सपोर्ट व्यक्ति को मिलना चाहिए वो पूर्ण रूप से स्थापित रहेगा। संतान सुख और संतान से सुख की स्थितियां भी आपके लिए अच्छी खबरें लेकर आता हुआ दिखाई देता है। विश्वास की प्रगाढ़ता खुद के भीतर पूर्ण रूप से स्थापित रहेगी आज के दिन आपके लिए। मीन राशि वाले अगर कोई भी शैक्षणिक गतिविधि के साथ में, ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी मेजर डिसीजन की तरफ जाना चाहते हैं, आज आप जा सकते हैं। तो ये था 5 अगस्त 2019 का दैनिक राशिफल। ऐसे ही चर्चाओं के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद।